दोस्तों हाल ही में इंसानों के द्वारा बनाए गए मोस्ट पावरफुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें यूनिवर्स की बेहद ही खास इमेजेस दिखाई थी। इन इमेजेस ने इस पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था और अंतरिक्ष टीवी के व्यूअर्स को भी इससे रिलेटेड हमारे वीडियोस काफी पसंद आए थे। पर यार क्या आप जानते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी इमेजेस भी कैप्चर की हुई है जिन्हें दुनिया के सामने उजागर नहीं किया गया है, या कहें कि उस लेवल पर नहीं किया गया है कि हर एक कॉमन मैन तक ये इमेजेस पहुंच जाए। लेकिन टेंशन नॉट मेरे दोस्त, क्योंकि आज मैं आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई कुछ ऐसी ही बेहद खास और सीक्रेट इमेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक और चलिए एक बार फिर से इस यूनिवर्स को जेम्स वेब की नजरों से देखते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले आप जरा इस डॉक्यूमेंट पर नजर डालिए। अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित STSCI यानी कि स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर पब्लिश्ड इस डॉक्यूमेंट में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड हर एक टेक्निकल डिटेल मेंशन्ड है। इसमें जेम्स वेब के ऑपरेशंस और इसको प्रॉपरली एस्टैब्लिश करने की भी सारी डिटेल्स बताई गई है, और इसके साथ ही इसमें मिशन में शामिल लोगों की एक लंबी लिस्ट भी मिलती है। अब जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को उसकी ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करके उसकी अलग अलग कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया जा रहा था, तो इसने कई सारी इमेजेस ली थी। एग्जांपल के लिए इस डॉक्यूमेंट के पेज 12 पर हमें ये इमेज मिलती है। इन इमेजेस को नीर कैम की मदद से खींचा गया था। ये नीर कैम में मौजूद अलग अलग वेवलेंथ वाले फिल्टर से ली गई है। अब इसमें से शॉर्टेस्ट वेव फिल्टर F070W है, जिसकी इमेज फर्स्ट नंबर पर है, और लॉन्गेस्ट फिल्टर F444W है जो लास्ट नंबर पर आता है। अब इन इमेजेस के थ्रू जेम्स वेब के द्वारा अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करने की एबिलिटीज को टेस्ट किया गया था। अब दोस्तों जब हम किसी स्पेस टेलीस्कोप से यूनिवर्स में दूर दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वो रिलेटिवली इजी होता है, पर जब हम किसी पास मौजूद ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उन्हें ऑब्जर्व करने में हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब इसका रीजन है ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी। यूनिवर्स में काफी दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स हमें मूव करते हुए नहीं दिखाई देते, पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे काफी करीब है तो ऑब्वियसली उसकी मूवमेंट भी हमें दिखाई देगी, और इसी कारण से मोस्टली टेलीस्कोप अपना फोकस एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप का मकसद सिर्फ डिस्टेंट यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को ही ऑब्जर्व करना नहीं है, बल्कि इसके थ्रू वैज्ञानिकों ने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और तेजी से मूव करते हुए एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को भी ऑब्जर्व करने का गोल रखा है। अब ऐसे में ये टेलीस्कोप मूविंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऑब्जर्व करता है इसकी टेस्टिंग भी की गई थी। अब जरा इस डॉक्यूमेंट के पेज 9 पर मौजूद इन फोटोज को देखिए। अब इसमें आपको जुपिटर और उसके मून्स नजर आ रहे होंगे, पर ट्रस्ट में इन इमेजेस में ऐसा बहुत कुछ छिपा हुआ है जो आपको पहली नजर में नहीं दिख रहा है। इसकी लेफ्ट साइड वाली इमेज शॉर्ट वेवलेंथ फिल्टर F212N से ली गई है, और राइट वाली इमेज F323N से ली गई है जो कि एक लॉन्गर वेवलेंथ फिल्टर है। तो चलो अब हम इसकी लेफ्ट साइड वाली इमेज को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। दोस्तों इसमें आपको जुपिटर के अलावा मेटिस, यूरोपा और थीबी भी दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा इसमें जुपिटर के अलग अलग लेयर्स भी क्लियरली दिखाई दे रही है, और इस प्लैनेट का फेमस जायंट रेड स्पॉट भी विजिबल है। अब अगर आप जायंट रेड स्पॉट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में देखते हो तो आपको वहां पर एक डार्कर स्पॉट भी दिखाई दे रहा होगा। जानते हैं ये क्या है? ये है यूरोपा की शैडो जो कि जुपिटर पर पड़ रही है। अब बात करते हैं राइट साइड वाली इमेज की। लॉन्गर वेवलेंथ फिल्टर के कारण हमें इसमें जुपिटर की अलग अलग लेयर्स नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही इसमें जायंट रेड स्पॉट विजिबल है। पर जरा इस इमेज के लेफ्ट कॉर्नर पर नजर डालिए, जहाँ पर आपको एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है, और ये है जुपिटर के रिंग्स। अब दोस्तों वैसे तो ये हमें फर्स्ट इमेज में भी दिखाई दे रही है, पर सेकंड वाली इमेज में ये काफी ज्यादा विजिबल है। अब अगर आप किसी ग्राउंड टेलीस्कोप से देखोगे तो शायद ही आपको जुपिटर के रिंग्स के दर्शन हो पाएंगे। सैटर्न के रिंग्स हमें आसानी से दिखाई देती है क्योंकि इस प्लैनेट का रिंग सिस्टम बहुत ही बड़ा है, पर जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स का रिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा फेंट है, और इसीलिए इनको कैप्चर करना काफी कठिन बात होता है। पर जुपिटर के रिंग्स को कैप्चर करके जेम्स वेब ने यह साबित कर दिया कि इस टेलीस्कोप से हम इन प्लैनेट्स के रिंग सिस्टम को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। अभी कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों ने
पाया था कि अगर हम इन प्लैनेट्स के रिंग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो हम प्लैनेट्स के अंदर की ग्रेविटेशनल एनोमली को भी डिकोड कर पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इन इमेजेस को कैप्चर करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सिर्फ और सिर्फ 75 सेकंड्स का एक्सपोजर टाइम लगा था। मतलब ये सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को रियल क्विक टाइम में कैप्चर कर सकता है। अब दोस्तों, जब आप अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर सूरज को देखते हो या फिर किसी ब्राइट लाइट सोर्स को ऑब्जर्व करते हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका चश्मा चमकने लगता है और हम अपने टारगेट को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इनर सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। इन ऑब्जेक्ट्स तक सूरज की लाइट बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचती है और इसीलिए हमें इनके ऑब्जर्वेशन के दौरान स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेनन से निपटना होता है। पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जिस तरह से जुपिटर की इमेजेस लिए हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि फ्यूचर में हम इससे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की खूबसूरत इमेजेस भी ले पाएंगे। खास तौर पर एस्ट्रॉइड बेल्ट में हम कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं जिन्हें शायद हमने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सदर्न रिंग नेबुला की। वेट, व्हाट? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी इमेजेस तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, तो फिर इसे दोबारा से क्यों देखना? वेल, सदर्न रिंग नेबुला की इमेज भी उन्हीं इमेजेस में शामिल थी जिन्हें 12 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। पर उस इमेज में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। दोस्तों, जरा इसे देखिए। जेम्स वेब टेलीस्कोप का ये वीडियो नासा ने रिलीज किया है और इसमें जेम्स वेब का नियर कैम सदर्न रिंग नेबुला की ओर जूम कर रहा है। नाउ आप खुद ही नोटिस कर सकते हो कि इसे सदर्न रिंग नेबुला तक पहुंचने में कितनी ज्यादा देर लग रही है। अब इसका कारण है इस नेबुला के पृथ्वी से डिस्टेंस। ये नेबुला पृथ्वी से 2000 लाइट ईयर्स दूर वेला कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। अगर हम बात करें अपने सोलर सिस्टम की तो ये एक लाइट ईयर का भी नहीं है। हमारे सबसे नजदीकी स्टार की डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 4.246 लाइट ईयर्स है और हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर करीब 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स का माना जाता है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 2000 लाइट ईयर्स दूर स्थित एक ऑब्जेक्ट को जूम करने में हमें इतना टाइम लग रहा है, तो ये यूनिवर्स तो हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। खैर, लौटते हैं सदर्न रिंग नेबुला पर और बात करते हैं इसके शेप की। अब दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा रिलीज की गई इस नेबुला की इमेज को देखने पर हमें इसका शेप फ्लैट दिखाई देता है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? वेल यार, इस यूनिवर्स में फ्लैट तो कोई चीज नहीं होता। मे बी इसका शेप ओवल होगा, या फिर हो सकता है कि इसका शेप हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नेबुला का शेप नंबर 8 की तरह है और हम उसको टॉप की ओर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसके पीछे की साइंस इसके सेंटर में स्थित 2 डाइंग स्टार्स में छिपी हुई है। ये दोनों स्टार्स मिलकर सेंटर में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे होंगे और इसके कारण दोनों ही स्टार्स से इनकी पोलर आउटवर्ड एक्सिस पर रेडिएशन एमिट हो रही होगी। अब इससे हमें जो शेप मिलेगा वो नंबर 8 की तरह ही होगा। वैसे आपको बता दूं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सदर्न रिंग नेबुला की इमेज एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकाली थी, जिसे आप इन दोनों इमेजेस में देख सकते हो। अब दोस्तों, लेफ्ट वाली इमेज तो आपने कई बार देख ली होगी क्योंकि यार ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, पर असल मिस्ट्री तो राइट वाली इमेज में देखने को मिलती है। अब अगर आप इस नेबुला के लेफ्ट की ओर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन जैसा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन आखिर ये ऑब्जेक्ट है क्या? वेल, इसके बारे में अभी तक कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सदर्न रिंग नेबुला की डस्ट और रेडिएशन से बने हुए क्लाउड्स है जो इसके इंटरनल डिस्टरबेंसेस के कारण इससे बाहर निकल गए हैं। पर इसकी ब्राइटनेस को देखकर इस थियोरी पर बिलीव कर पाना थोड़ा कठिन है। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये कोई क्लाउड्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इनफैक्ट ये सदर्न रिंग नेबुला का पार्ट भी नहीं है, ये इस नेबुला से काफी पीछे मौजूद कोई डिस्टेंट गैलेक्सी हो सकती है। अब अगर हम इस पर जूम करते हैं तो हमें ये सैटर्न की तरह दिखाई देता है जिसके चारों ओर रिंग्स हैं, पर ये कोई प्लैनेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इवन इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर हम कोई सिंगल स्टार को इतनी क्लियरली ऑब्जर्व कर ले ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इससे आने वाली लाइट की ब्राइटनेस से ये साबित होता है कि ये कोई डिस्टेंट गैलेक्सी ही है जिसे हम एज ऑन व्यू में देख रहे हैं। जैसा कि हम अपने गैलेक्सी
गैलेक्सी मिल्की वे को देखते हैं। फर्स्ट वाली इमेज में ये ऑब्जेक्ट नेबुला के रेडनेस के बीच थोड़ा छिप जाता है, पर सेकंड वाली इमेज में ये काफी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। नाउ होपफुली आने वाले दिनों में वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और हम जान पाएंगे कि ये कोई गैलेक्सी है या फिर कोई सुपर रेयर स्पेस ऑब्जेक्ट जिसे हमने आज के पहले कभी देखा ही नहीं था। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि जुपिटर की खोज सबसे पहले किसने की थी? उस एस्ट्रोनॉमर का नाम बताओ अगर आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके हमारे सारे वीडियोस देखो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।